सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं। चलो फ्रेश होकर नाश्ता तैयार है। अच्छा। तो भी अजीब है, ये क्यों बोला कि गिफ्ट धीरज लाए? मैंने बोला ना हम तीनों की तरफ से। अभी वो चलता है भैया, चलता है चलता है, चलो चलो। हाँ ठीक है, चलो। भैया आपने भाभी पर हाथ उड़ाकर अच्छा नहीं किया, और तुमने भी मेरा हाथ पकड़ के अच्छा नहीं किया, समझे? आप नाराज मत होइए, आज के बाद ये ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। तुम चुप रहो दुलारी। पवन, तुम्हारी इस हालत में तरस आता है। एक तो दमा के मरीज, याद रखो अगर मेरा एक हाथ उड़ गया तो जहां खड़े हो वहीं गड़ जाओ। भैया अगर मेरी हालत ऐसी नहीं होती तो भाभी को लेकर मैं सीता बहन के घर चला जाता। अगर ऐसा होता ना तो ना ही तुमको इस घर में आने की इजाजत मिलती और ना ही तुम्हारी भाभी को, समझे? भैया आप सीता बहन के ऊपर इतने जुल्म क्यों कर रहे हो? क्यों? जनार्दन के जाने के बाद आपने उसका सब कुछ धोखे से हड़प कर लिया, जबकि जनार्दन के बारे में इश्तिहार भी छपे, लेकिन आपने सीता बहन को कुछ नहीं बताया। जनार्दन ने आपको चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आपने उसका झूठा जवाब देकर यह कहा कि सीता बहन ने दूसरी शादी कर ली और वो रामपुर छोड़ के चली गई। नहीं पवन, नहीं पवन, तुम भूल रहे हो। हमने जो कुछ भी सीता से लिया है ना, वो हमारा अपना है। लेकिन भैया आपने जनार्दन से झूठ बोलकर ऐसे कौन सी अड़चन में डाल दिया कि वो वापस ना आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर जनार्दन वापस आ गया तो आपको सीता बहन के ऊपर जुर्म ना करने दे? आज इतने सालों बाद मेरे खिलाफ मुंह खोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है? क्या बात है, तुम कुछ उदास दिख रही हो? हाँ बताओ ना क्या बात है। देखो मुझे तुम्हारी खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, खासकर आज के दिन। आज का दिन कितना खुशी का दिन है। आज के दिन तो हम मिले थे। हाँ मुझे सब याद है, आज से 20 साल पहले आज ही के दिन तो तुमने मुझे और मेरे बच्चों को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाया था। और ये भी याद है जब तुम्हारी पहली बीवी ने दूसरी शादी की तब तुमने मुझे अपनाया और मुझे धीरज जैसा प्यारा बच्चा दिया। तो ये क्या उदास नहीं हो? जिसे तुम उदास होना कहते हो ना, दरअसल वो मेरा डर है। और ये डर आज का नहीं है, उस दिन से जिस दिन से तुमने मुझसे शादी की आज के दिन डर का चेहरा उभर कर सामने आता है। किस बात का डर है तुम्हें मीता? यही ना कि अगर मेरे घर वालों ने मुझे ढूंढ लिया क्या होगा? लेकिन अगर उन्हें ढूंढना होता तो क्या मेरी बीवी मेरा इंतजार किए बगैर, मेरी तलाश किए बगैर दूसरी शादी कर लेती? मैं सब समझती हूँ, लेकिन इस डर का साया मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। देखो मीता, मेरा जो होना था वो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। अब जो है वही सच है और वही सुंदर है। आज में जियो, कल की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। मैं पिछले 20 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूं और जब तक जीऊंगा तुम्हारे और अपने बेटों के साथ जीऊंगा। अच्छा ये धीरज तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आज शुभ दिन है तो डिनर बाहर करेंगे। ऑफ कोर्स,
और आज मैं तुम्हें बिल्कुल वैसी ही बनी रहूं, वैसी ही दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ जैसी 3 साल पहले शादी के दिन देखा था। छोड़ो ना, कोई आ जाएगा। गौरी, मैं ये कह रही थी कि तू ही दुकानदारों को पापड़ बेच आया कर। सारे ग्राहक बंधे हुए हैं, सबको मैं जानती हूँ। बस गिन गिन के पैकेट देने हैं और पैसे लेने हैं। मैं इसलिए कह रही थी कि मोहन स्कूल में पढ़ाता है और फिर परीक्षा की तैयारी भी कर रहा है। अगर तू ये काम करेगी ना तो उसको जरा वक्त मिल जाएगा। माँ, हमने तो भैया से कई बार कहा है कि वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाए। बाजार में पापड़ हम बेचाए करेंगे, मगर वो सुनते ही नहीं। कहते हैं ये काम लड़कियों का नहीं है। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, इससे अच्छा काम क्या करेंगे। इसलिए बाजार में पापड़ हम ही दे आया करेंगे। बस हमें इतना बता देना कि कितना किधर देना है। वो सब मैं तुझे समझा दूंगी। अरे तू, तुझे देखा तूने? नहीं बुआ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। आज जो हुआ वो तुम्हें बताना बहुत जरूरी था। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी ठीक तो है ना? वो अच्छे हैं बुआ, लेकिन बहुत कमजोर हो गए हैं। कभी कभी तो बिना सारे वो चल ही नहीं पाते। सिगरेट पीना छोड़ा कि नहीं? नहीं बुआ, वो तो शायद छोड़ भी देते, लेकिन जब भी वो सिगरेट मांगते हैं तो माँ ताऊजी से मांगकर उन्हें दे देती है। मुझे के दुश्मन? माँ ऐसा मत कहो। पद्मा, किसी को पता चल गया ना तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, वापस कमरे में बंद कर देंगे। जल्दी बताओ हुआ क्या। आज सुबह ताई जी आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन ताऊजी ने उन्हें रोक लिया, उन पर हाथ भी उठा लिया। जब पिताजी ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्हें भी बुरा भला कह दिया। पिताजी को दमा का दौरा पड़ गया बुआ। ताऊजी तो उनकी फिक्र ही नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि मेरे पिता इस दुनिया में न रहे। बहुत जुल्म करते हैं उन पर, और माँ भी नहीं रोकती। अगर मैं किसी भी काबिल होती ना तो तुरंत पवन को यहाँ ले आती। एक क्षण के लिए भी उस दुष्ट के घर रहने नहीं देती, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर। माँ, जैसे ही भैया की वकालत शुरू हो जाएगी हम मामा जी को यहाँ ले आएंगे। हाँ बेटा, जरूर ले आएंगे। पहले तो पवन रास्ते में मिल जाता था, लेकिन अब कितने दिन हुए उसे देखे हुए। देखो बेटा, लक्ष्मी से कहना मेरे लिए पृथ्वी से लड़ाई मत करे, उसमें हमारा भला नहीं होगा, उसी पर और जुल्म होगा। और उसे ये भी कह देना कि कल सवेरे 9 बजे मैं मंदिर जा रही हूँ, अगर मुझे मिल सकती है वहां तो मिल जाए। बहुत मन करता है उसे मिलने का। कह दूंगी बो। मोहन भैया से कहना कि मैं हर साल की तरह उन्हें इस साल भी राखी बांध दूंगी। जाओ बेटा, जल्दी करो, चल। किससे झगड़ा किया तूने? किसे मार खा के आ रहा है तू? पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मैं मार खाने वालों में से नहीं हूं, लेकिन मैं क्या करता, मेरे सामने मेरा भाई था। भाई? कौन भाई? मोहन भैया। अरे मोहन से क्यों झगड़ा किया तूने? पिताजी वो
वो स्कूल के बगीचे में राधा के साथ, कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। मैंने मोहन भैया से सिर्फ इतना कहा, भैया अगर प्यार मोहब्बत ही करना है तो कहीं और चले जाओ, यहाँ स्कूल में बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। बस मुझे मारना शुरू कर दिया। और तू चुपचाप मार खाता रहा और हमें भी मना कर दिया। बोले बड़े भैया हैं, इन पे हाथ मत उठाना। हम तो उसे जिंदा जमीन में गाड़ देते बाबूजी, लेकिन धनराज की शराबत ने हमें कुछ करने नहीं दिया। पिताजी उसने मुझे तो मारा ही, आपको भी नहीं बख्शा। ऐसी गंदी गंदी गालियां दी कि मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं क्या करता, ये सब लोग सुन रहे थे। अरे बेवकूफ, इतनी शराफत मैंने तुझे कब सिखाई थी हैं? और ये अपनी शराफत दिखाने के लिए इस तरह चेहरा काला नीला करके घर आ गया तू? तूने अच्छा किया धनराज, जो अपने बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाया। माँ उसने मुझे मारा, इसकी परवाह नहीं है मुझे। लेकिन पिताजी को तो गालियां नहीं देनी चाहिए थी। मेरे लिए सबसे बड़ी गाली ये है कि उस कमीने ने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। अब ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि माँ और बेटा दोनों जिंदगी भर याद रहे। जा मेरी बंदूक ले गया। जिंदगी भर के लिए उसे नाकारा नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी पृथ्वीराज नहीं। पिताजी आप उस पर हाथ नहीं उठाए तो फिर क्या करूँ? चुपचाप सब कुछ सहता रहूँ? ये मैं जानता हूँ कि आप चुपचाप नहीं बैठे। फिर अगर आपने उस पर हाथ उठाया, गोली चल गई, और गोली अगर कहीं गलत जगह लग गई तो आपको भी तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। उसे ऐसी सजा दीजिए कि वो जिंदगी भर खड़ा ना हो सके। तो एक काम करता हूँ, उसके पैर ही काट डालता हूँ, वो कैसा खड़ा रह पाएगा? आप फिर से मार पिटाई की बात कर रहे हैं पिताजी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। जल्दी बोल, मेरा खून खोल रहा है यहाँ पे। इस बात की खबर प्रिंसिपल को कर देनी चाहिए कि मोहन स्कूल में लड़कियों से इश्क लड़ता है। बस नौकरी चली जाएगी और जिंदगी भर भटकता रहेगा। अरे वो क्या खाक भटकता रहेगा, उसे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नहीं पिताजी, ऐसे बदमाशों को इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। ना सोचिए, वकालत का इम्तिहान देने के लिए इसके पैसे भी नहीं होंगे, ना ही वकील बन पाएगा, ना ही आपके खिलाफ मुकदमा कर पाएगा। वाह बेटा वाह, देखा आखिर खून तो मेरा ही है ना बेटे। मेरे होते हुए मोहन राधा को भेजा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गंगा ये लो, ये कपड़े धोने को डाल दो। तो अभी सिगरेट भी पीने लगे हैं? बीबी जी आपने मुझसे कुछ कहा नहीं? तू जा कपड़े धो ले। आज खबर लेती हूँ। चल भाई आओ आओ साहेब, वही दो सिगरेट दो होल्स। हाँ लेकिन पहले सिगरेट लो भैया, पहले सिगरेट लो भैया। क्या हाल है पंडित जी? भैया मेहरबानी ऊपर वाले की, बस बहुत बढ़िया, मेहरबानी होनी चाहिए। चल भाई चल शाबाश। या सूरज, ये जो गंगा ही है ना, बड़ी कमाल की चीज है। साली मुझे छुप छुप के देखती है। मुझे तो देखती नहीं। अरे देखेगी, उससे दिल भर जाएगा ना तो तुझे भी देखेगी। अरे यार तू फिक्र काय को करता है, मेरा छोटा भाई और सबसे बड़ा पहला हक बड़े भाई का होता है। भैया पता मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो हम सोच रहे हैं उसका पता अगर माँ को चल गया ना तो परेशान हो जाएगी। अरे कोई परेशानी नहीं होगी यार, इतने दिन से हम सिगरेट पी रहे हैं, माँ को पता चल नहीं ना? और अगर पता चल भी गया तो क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा हमें डांट पड़ेगी और गंगा को नौकरी से बाहर निकल। अरे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे कोई गड़बड़ नहीं यार, अच्छा है बाहर ले जाया करेंगे। भैया जो दिल में है ना उसे जल्दी कर डालो।
माँ कह रही थी उसे गंगा के लक्षण बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ हाँ सब हो जाएगा, लेकिन मेरी बात याद आना, पहला हक बड़े भाई का। ओके भैया। ऐसे क्या वही खाते में लिख लें साहब? बिल्कुल भैया। तुम कह रहे थे कि गंगा तुम्हें घूरती रहती है, तो बात कुछ आगे बढ़ी? आंखों आंखों में तो सब कह दिया मैंने, आज कुछ बात को बढ़ाने का इरादा है। चले फिर। बिल्कुल चलो। कम इन सर। हाँ। कोई मिस्टर पुरोहित आपसे मिलने के लिए बाहर बैठे हैं। पुरोहित? लेकिन आज तो ऐसे किसी आदमी से मेरी अपॉइंटमेंट नहीं है। सर वो कह रहे हैं उन्हें थोड़ी देर का काम है। नहीं अभी तो मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, उन्हें कहो कि कल सुबह 10 बजे बेशक आ जाए। और सुनो ये सारे लेटर्स ये फाइल कर देना। ये तो अपने जनार्दन जैसा लगता है, वही नाम वही शक्ल। अगर ये वही है तो यहां क्या कर रहा है? साहब ने कहा कि आप कल सुबह 10 बजे आके मिलिए। ये कौन साहब थे जो अभी अभी बाहर गए? वही तो है हमारे साथ मिस्टर जनार्दन, वही जो लाइट ब्राउन सूट में थे। हाँ भाई वही। अच्छा 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 अच्छा। तुम ऐसा करो मुझे उनका घर का पता दे दो, मैं उन्हें घर पे जाकर मिलूं। अरे जनार्दन मेरे बचपन का दोस्त थे, यही मिले थे भाई, मैंने उन्हें जाने के बाद में पहचाना। घर पे मिल लूंगा, तुम उनका एड्रेस दे दो। साहब घर में किसी क्लाइंट से नहीं मिलते। मैं क्लाइंट नहीं, उनके बचपन का दोस्त हूँ। नहीं साहब मैं आपको एड्रेस नहीं दे सकता, वो नाराज होंगे। वो ना हो, ये वही जनार्दन है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? खादी पहनने वाला सूट में कैसे आ गया? ये तो पता करना ही।